जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल कक्षा। आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारा हाई कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दिया है, किसे नोटिस मिला है, विराट कोहली और तमन्ना भाटिया को क्या कहा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने पबजी समेत 52 ऐप को ऑलरेडी बैन किया था। उसके पीछे का रीजन क्या दिया था, रीजन गवर्नमेंट ने ये कहा था, गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था उसमें रीजन ये था कि जो चाइनीज ऐप है वो हमारे डेटास को चोरी कर रहे हैं, हमारे जो सिक्योरिटी है इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचा रहे हैं। उसी के अगेंस्ट, उसी को लेके, उसी को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट का एक नया आदेश आया है जिसमें विराट कोहली और तमन्ना भाटिया को नोटिस मिला है, उसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, विराट कोहली जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है MPL ऐप का, नाम तो आपने सुना ही होगा, और जो तमन्ना भाटिया इस ऐप को एडवर्टाइज करती थी। तो गवर्नमेंट का जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का नोटिस आया है कि आपको ये सब ऐप को प्रमोट नहीं करना है। प्रमोट क्यों नहीं करना है, उन्होंने पूछा। मेरे जैसा एक व्यक्ति आया हाईकोर्ट में, गया, क्यों नहीं प्रमोट करना है, इसमें क्या गलत है, हम तो इसमें बेटिंग लगाते थे, हम तो बहुत पैसा कमाते थे, मेरे दोस्त लोग भी बहुत अमीर बन गया, आज तो अंबानी से वो कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। प्रॉब्लम तो हाईकोर्ट के जजेस ने आया और मुझे बोला इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के जो ऐप है ये हमारे माइंड को तो डिस्टर्ब करते हैं, साथ ही हमारे फिजिकल एबिलिटी को भी डिक्रीज करते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि हाँ सही बात है, जब मैं बचपन में था मैं घर के बाहर 8 बजे सुबह को निकल जाता था और वापस लौटता था 2 बजे। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, मम्मी मुझे घर में नहीं घुसने देती, मोहल्ला का अंकल आके पूछते थे क्या हुआ बेटा बाहर क्यों बैठे हुए, तो बोलता है मम्मी मोटर चला के अंदर है, सुनाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन रियल रीजन वो हंस के चल जाते थे, वो समझ गए कि ये बेटा दिन भर बाहर रहता है, बाहर खेलते रहता है, इसीलिए इसकी मम्मी इसको बाहर रखी है। तो इसी तरह यही सेम रीजन हाईकोर्ट ने कहा कि जो मेंटल एबिलिटी है, जो फिजिकल एबिलिटी हमारे यूथ का वो थ्रेट पहुंच रहा है, उस पर वो एबिलिटी अब नहीं शो कर रहा है। जो आखिरी रीजन हाईकोर्ट ने कहा कि जो इस तरह के ऐप है इसे कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होता है, पता नहीं कितने लोग पैसे लगा देते, उनको वापस तो नहीं मिलता और उनको ये भी नहीं पता चलता वो पैसा गया कहाँ। तो सरकार का, जो हाईकोर्ट का, उनका कहना है कि इस तरह के ऐप को कंट्रोल करने में भी बहुत दिक्कत होता है। तो मैंने फिर से गया, बोला कि फिर से एक बार बोलिए तो क्या क्या रीज़न आपने बताया। पहला उन्होंने कहा बेटा तुम बहुत क्वेश्चन पूछते हो, ये रीज़न नहीं था, उन्होंने बस मजाक में बोला बेटा तुम बहुत क्वेश्चन पूछते हो। पहला रीज़न उन्होंने कहा कि मेंटल प्रेशर, मेंटल एबिलिटी को हमारा डिक्रीज करता है, दूसरा फिजिकल एबिलिटी को डिक्रीज करता है। बच्चे पहले बाहर खेलते थे, तुम तो बेटा दिन भर बाहर रहते थे, अब तो अंदर है, दिन भर MPL पबजी को इसीलिए बैन किए थे। और तीसरा कहा कि इसको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होता है। तो यही तीनों रीजन हमारे जो हाई कोर्ट है उन्होंने दिया। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद है, अगर आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।